ये एक बच्चा अभी हमारे पास एडमिट हुआ है, बहुत बुजुर्ग है, उम्र का हमें पता नहीं क्या उम्र होगी, 13-14 तो प्लस है ही है, ये तो कंफर्म है। और इसका क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत बुजुर्ग है, पैरालाइज है, उसकी कमर जा चुकी है, ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, गले में ट्यूमर है बिकॉज ऑफ जो एज है उसकी और जो उसकी कंडीशन है, इस समय वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको इम्पॉसिबल है, ये ट्रीट नहीं हो सकता, छोटे वोटे लगी हुई है। और जो लेके आए वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जिसे मर्सी किलिंग के लिए बोल दिया, उन्होंने बोला कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसकी इतनी एज है और इतनी इसकी हालत ख़राब है, इसको मर्सी किलिंग कर दो। बट वही वाली बात है, वो नहीं करना चाहते थे और हम तो मतलब ही नहीं उठता, तो उन्होंने बोला कि जो 2-4 दिन की ज़िंदगी रहेगी दीदी इसको रख लो, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी देखने में पता चल रहा था कि इसकी ना वो खा रहा है ना वो पी रहा है, उसके ट्यूमर भी है, ब्लाइंड भी है, पैरालाइज भी है, एज ही बहुत है, वो भी तो चिल्लाता है, हाथ भी लगा दे जल तेज तो चिल्लाने लगता है, इतना बुजुर्ग है। बट उन्होंने बताया कि इसकी कंडीशन खराब होनी तब शुरू हुई है, स्ट्रीट का है, सड़क का है, इसको वहीं पे फीड कराते थे, कंडीशन उस दिन खराब होनी शुरू हुई जब से इसको नहलाया। तो मैं आपको चीज बताऊं, कोई भी काम करें अच्छी बात है, सेवा करनी, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना बहुत अच्छी चीज है, बट पहले उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज में लाएं कि क्या किस एज में क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है और उसको जो है हम लोग करीब 1.5-2 महीने नहीं नहलाते, और सर्दियों में तो 3-3, 4-4 महीने निकल जाते नहीं नहलाते, उसी तरह बुजुर्ग बच्चा होता है, उसकी हड्डियां कच्ची हो चुकी होती हैं, उसके शरीर में प्रॉब्लम हो चुकी होती है, अपाहिज है, अंधा है, इतना बुढ़ा है, उसे नहला के कहाँ ही ले जाना था आपने, और नहला के आप उसको घर में तो रख नहीं रहे, आपने अभी नहलाया, नहलाने के बाद आपने उसे सड़क पे छोड़ दिया, वो जाके 2 मिनट में मिट्टी मिट्टी में लगेगा और गंदा हो जाएगा, आप समझ रहे हो, और गंदा हो जाएगा वो। तो आपका काम है खाना खिलाना, उसकी दवाई वाई करना, वो करें अच्छी बात है, बट ये नहलाना और कोट पहना देना सर्दियों में, क्योंकि कोट आप पहनाते हो कि सर्दी से बच्चा बचेगा, आप ये भूल जाते हो रात को जब ओस पड़ी है वो पूरा कोट गीला हो चुका है, आप उसे सुबह नहीं उतार रहे हो, तो वो गीले कोट में ही बच्चा रहेगा, स्किन इन्फेक्शन अलग होगा, सर्दी निमोनिया उसको अलग हो जाएगा, या तो फिर अगर कर रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जब अगर आपने उसको नहलाना था नहला धुला के उसको साफ करके घर में रखते, उसको बिल्कुल नॉर्मल होने देते, अगर लगता है आपको कि वो नॉर्मल है नहाने के बाद बिल्कुल, फिर उसको छोड़ते सड़क पे, नहलाना और छोड़ देना ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करें। सेवा का भी एक तरीका होता है, हर चीज सेवा में नहीं आती है, कुछ चीजें गलती में आ जाती है, जिसकी गलती ये है, अकॉर्डिंग टू हिम जब से ये नहाया है उसके बाद से ये बच्चा इसी हालत में है, उठा नहीं है, इतना बुजुर्ग बच्चा नहलाने का कोई लॉजिक नहीं था, अरे बता अब क्या किया है, ना खा रहा है ना पी रहा है, देखो ये ना इतना मोटा यहाँ ट्यूमर है, ये मुंह के अंदर है, कुछ हो ही नहीं सकता इसका, ये सर्जरी हो ही नहीं सकती, मैं सर्जरी क्या होगी जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक आध दिन का मेहमान है, इसका मर्सी किलिंग कर दो, चलो वो तो मेरे पास पहले भी 2 बच्चे लेकर आ चुके हैं, जो एक बच्ची आपने देखा था तेजाब डल गई थी पूरी, वो भी बिल्कुल सही हो चुकी है, एक बच्ची जिसका मैगेट्स पड़ गया था पूरे कान खत्म हो गए, जिसका कान एक तरफ खत्म हो गया वो भी बिल्कुल सही है, तो वो फिर इस बच्चे को भी मेरे पास ले आए। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बस इसकी आखिरी वक्त में सेवा कर रहे हैं, है ना, अच्छा शांति, हम सिर्फ इस बच्चे की सेवा कर रहे हैं। पर मेरी एक बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों को नहलाने वाला काम जो सड़क के बच्चे हैं ना करें, भगवान बारिश करेंगे वो नहा लेंगे, जब वो नहीं होगा नहीं, आपके घर में तो वो रह नहीं रहे हैं कि आपके घर में बदबू आ रही है या आपको बदबू आ रही है या बाकी के जो बाहर सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं उनको बदबू आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो सड़क के बच्चों को एक तो ना ये नहलाने वाला प्रोसीजर खत्म कर दें, कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने नेचुरल वे में जी लेंगे, ठीक है, जो सड़क पे और जानवर फिर रहे हैं वो लोग नहाते नहीं है, वो नेचुरली नहाएंगे जब उनको नहाना होगा बारिश आएगी, एक नहलाने वाला काम खत्म कर दे। दूसरा, विंटर में आप अगर बच्चों को कोट पहनाना चाहते हैं बहुत खुशी की बात है, पहनाएं अच्छे से पहनाएं, रोज पहनाएं, बट उस कोट का ये ध्यान रखें कि उस कोट को आपको सुबह फिर उतारना है, खाली कोट पहनाना है और उसके बाद भूल जाना है, तो उसमें आप 2 काम कर रहे हो, एक बच्चे को स्किन डिजीज दे रहे हो, जब वो गर्मी में कोट उतरेंगे उनके बाल नहीं होंगे, खुजली होगी शरीर के अंदर,
बहुत बुरी हालत होगी, फिर वो बच्चे हमारे पास आते हैं, कईयों के तो अंदर अंदर कीड़े भी हो जाते हैं बॉडी में, है ना, जख्म होते हैं वो खुजली कर रहे हैं, जख्म होते हैं वो कीड़ों में परिवर्तन हो जाते हैं फिर धीरे धीरे, और कईयों के निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का यार इंसान नहीं बचता, निमोनिया में ये बच्चे बेचारे क्या ही बचेंगे। गीला कपड़ा आप अपने ऊपर बांध के रखोगे तो आप बच जाओगे, वाटर प्रूफ तो नहीं है ना वो कोट, आपने कोट पहनाया है अभी वो वार्म कर रहा है, सारी रात बच्चा ओस में बैठा रहा, वो कोट बिल्कुल गीला हो गया है, अब सारा दिन वो उस गीले कोट में घूम रहा है, और ये प्रोसेसर एक बार नहीं डेली उसके साथ हो रहा है, तो आप उसके एक तरीके से ना उसको मृत्यु दान दे रहे हैं। मुझे पता है जो लोग कोट पहनाते हैं वो इस बात के अगेंस्ट हो जाएंगे, और जो लोग कोट बेचते हैं वो इस बात के अगेंस्ट हो जाएंगे, बट मेरी क्या प्रॉब्लम है, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कोट तब पहनाए अगर आप उस बच्चे का कोट डेली के डेली दोपहर में चेंज कर सकते हो, या देख सकते हो वो कोट गीला तो नहीं हुआ, या बच्चे की बॉडी रोज चेक कर सकते हो क्या उसको निमोनिया तो नहीं हुआ, उसको बुखार तो नहीं है, उसके स्किन में खुजली तो नहीं हो रही है। आपने देखा इस सीजन में मैंने एक बच्चे को कोट नहीं पहनाया है। हाँ पहले पहनाया होगा पर हम तब पहनाते हैं जब हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम रोज उस बच्चे को चेक कर सकें। वही चीज है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को कोट वोट पहनाते हैं, कुछ भी चीज उनको ऐसी एक्स्ट्रा में करते हैं, तो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर हमने किसी बच्चे को कोट पहनाया है तो वो बच्चा हमारी आंखों के सामने है, हम उसे रोज चेक करेंगे कि उस बच्चे ने मतलब उसको कोई बुखार तो नहीं है, उस बच्चे की स्किन में डिजीज तो नहीं हो गई कोई, वो बच्चा खुजली तो नहीं कर रहा, बच्चा सेडेट तो नहीं हो रहा, परेशान तो नहीं हो रहा, हम बहुत सारी चीजें ध्यान रखेंगे तब हम उस बच्चे को कोट पहनाएंगे। हम ऐसा नहीं रात को कोट पहना देंगे, बच्चा सारी रात भीगता रहेगा, सुबह उठ के हम भूल जाएंगे कि हमने कोट पहना रखा है, वो बीमार होगा फिर बच्चा हम देखेंगे। तो कोट ना पहनाए सर्दियों में, भगवान ने इनको अपने नेचुरल फर दिए हैं, इन्हीं सर्दियों से इन्हीं गर्मियों से इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए दे रखे हैं, और अगर पहना रहे हो तो फिर उसका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें, रोज चेक करें, उनकी जान मत लें। ये हालत यदि क्या हालत होगी, नहला दिया उसे बच्चे, क्या मिला इसे, क्या नहलाने की जरूरत थी प्यार, इतने बुढ़ा बच्चा तो सारी जिंदगी ऐसी फेरा सड़क पे, क्या कर कौन सा तीर मार दिया नहला के, उल्टा बेचारा और बीमार हो गया। तो अब ये बच्चा हम देख रहे हैं, बस वही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, सेवा करें पर थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी है हर चीज में, क्योंकि हम बॉर्न टू ये नहीं हुए थे कि हमको पता है कि हमें किसको कैसे टेक केयर करनी है ना। इंसान अपना बच्चा पैदा करता है उसकी भी टेक केयर करता है, तो उसके लिए भी 100 यूट्यूब की वीडियो देखता है, 100 गूगल पे सर्च करता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं है, है ना। जब पहला बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए 100 तरीके की इन्फॉर्मेशन लेता है, डॉक्टर से पूछता है, बड़ों से पूछता है, यूट्यूब गूगल सब देखता है, अपने बच्चे को कुछ तरीके की कोई चीज़ करता है, तो ये भी तो बच्चे हैं ना, इनके लिए कुछ करना है तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लें, जब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तब करें, वरना नहीं करें, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी इस बच्चे की हालत बहुत बुरी है, आई ट्राई कि बस थोड़ा दर्द में ना रहे, हम लोग पेन किलर्स वगैरह इसको दे रहे हैं थोड़े से, बाकी भगवान देखेंगे जैसा होगा। थैंक यू। राम।